उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित हो सकती है वर्चुअल मानसून सत्र। दरअसल सत्र को आयोजन को लेकर योजना बनाई जा रही है और सभी पहलुओं को इसमें देखकर फैसला किया जाएगा। तो वर्चुअल तैयारी को लेकर मंथन भी यहां पर चल रहा है और अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजीत, जैसा कि आपने पहले जिक्र भी किया गया कि सत्र को लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं सरकार के भीतर चल रही है, प्रशासन में चल रही है, लेकिन उसको लेकर योजनाएं कैसी, क्योंकि अब कोरोना का काल है और ऐसे में प्रोटोकॉल बेहद जरूरी कि उसको फॉलो किए जाए। अध्यादेश तो यहां पर पास होंगे ही, लेकिन सबसे पहले चुनौती यहां पर कि किस तरह से कोरोना को देखते हुए जो वर्चुअल मानसून सत्र बुलाया गया है, क्या वो उसी रूप में हो पाएगा? विधानसभा मंडप की बात की जाए तो वहाँ पर 70 विधायकों के बैठने की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठ सके। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में तमाम पहलुओं को यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। जैसे वहाँ पर विधानसभा में व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, पत्रकार भीड़ है, दर्शक भीड़ है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए तब भी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पूरा पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सभी पहलुओं को देखने के बाद आज ही ऑनलाइन टीवी से खास बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कहा है कि वो वर्चुअल सत्र कराने की दिशा में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि 70 विधायकों को कैसे वर्चुअल तरीके से मानसून सत्र में जोड़ा जा सकता है, कि सभी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम है उनका भी पालन करना होगा। तो ऐसे में सारी तैयारियों को यहाँ पर परखा जा रहा है कि अगर विधानसभा मंडप में व्यवस्था बनाई जाएगी तो किस तरह से बनाई जाएगी, कितने लोगों को इसमें बुलाना है, कितने अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती होगी, और अगर सभी संभावनाएं पूरी नहीं होती है तो फिर वर्चुअल तरीके से कैसे यहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित होगा। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।